तो दोस्तों ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक तार है और ये 2.5 mm का है और इसमें हमारा दो कोर है, एक हमारा है रेड, एक हमारा है ब्लैक। ये यहाँ से कट गया है, अभी इसकी जगह हम ये कॉपर है और मेड इन केएसए है, ओरिजिनल है। और ये हमारा है 2.5 mm का है एल्युमिनियम का तार, ये 2.5 mm एल्युमिनियम का है। इसको जब आप घसेंगे तो देखेंगे आपको जो है ना ऊपर आपको जो है ना जो कॉपर की जो परत पड़ी हुई है वो रिमूव हो जाएगा, आपको दिखेगा साफ साफ एल्युमिनियम की शक्ल दिखेगी आपको। तो ये आप देख सकते हैं, इसको पहचानने का एक तरीका है। अगर कभी आपको चेक करना है, कभी डॉट है, कभी आपको सस्पेशन है कि ये ओरिजिनल कॉपर है कि नहीं है या फिर क्या है, कभी आपको ऐसा चेक करना है तो इसके लिए आप जो है ना सिंपली क्या करें, आप इसका इंसुलेशन निकालें। ऊपर वाला इंसुलेशन निकालेंगे, इंसुलेशन निकालने के बाद आप इसको घसें थोड़ा, तो जो ओरिजिनल कॉपर होगा उसकी जो है ना परत जो है वो बरकरार रहेगी, यानी वो चूँकि कॉपर है तो कितना भी घसें तो वो कॉपर ही दिखेगा। लेकिन जो ओरिजिनल नहीं होगा, जैसे कि जैसे आप देखें ये हमारा है ना, ये भी 2.5 mm की है लेकिन ये हमारा चाइना का है, ये ओरिजिनल नहीं है। जब आप इसके इंसुलेशन को निकालेंगे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इसके इंसुलेशन को मैंने कटर से निकाला, देखिए देखने में कॉपर लग रहा है लेकिन इसको घसेंगे, घसने के बाद देखें ये कॉपर नहीं है, इसका कलर बदल गया, देखें एल्युमिनियम है। और एल्युमिनियम भी ये क्वालिटी आपको पता चल जाएगा, एल्युमिनियम भी अलग अलग क्वालिटी के आते हैं, तो आप इसको देख सकते हैं इस तरह से। अभी चलिए देखते हैं कि इसको जॉइंट कैसे मारना है। तो इसको जॉइंट हम करने के लिए थोड़ा सामने करें, इसको जॉइंट करने के लिए हम पहले ख़राब को निकाल देते हैं, उसके बाद हम अच्छे से ये इंसुलेशन को भी निकाल देते हैं, उसके बाद फिर हम, मैं आपको आसान तरीके से बता रहा हूँ, फिर हम दूसरे वाला वायर को लेंगे और इसको भी हम इंसुलेशन निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा दूसरा वाला वायर है, फिर जो हमारा ये है, इसमें अच्छा से आपस में लॉक कर देंगे। देखें आपस में इस तरह से लॉक करने के बाद फिर इसको हम अच्छा से दोनों को आपस में इस तरह से घुमा देंगे, अच्छा से पकाना है ताकि ये खुले नहीं और हमारा करंट लीकेज भी ना हो, इस बात का भी ख्याल रखें। देखें अभी ये बिल्कुल फ्रेश हो गया है, फिर हम इसमें टैप मार देंगे, ये हमारा टैप है, इस तरह से हम टैप मार देंगे। तो आप देख सकते हैं कि अब मैंने इसमें टैप मार दिया, थोड़ा आगे करेंगे, देख सकते हैं बिल्कुल एकदम फ्रेश हो गया है, टैप मार दिया है। अब दूसरे तार को कनेक्ट करने की बारी है, तो आप देखें कि इसका मीज़ान, यानी आप देखें तो इधर आ रहा है, अब आप जब इसका नपाई करेंगे तो इधर आ रहा है, तो आपको थोड़ा आगे से कटना है, ठीक है, इस तरह से थोड़ा आगे से। तो चलिए इसको एक कट कर लेते हैं, इस तरह से इंसुलेशन निकाल लेते हैं, और ये ज़्यादा बड़ा है थोड़ा तो इसको छोटा कर लेते हैं, हो गया, थोड़ा और निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद ये हमारा देखिए ये बिल्कुल लेवल में आ गया, बराबर में। अब हम क्या करेंगे, इसको सेम उसी तरह से जैसा कि हमने पहला वाला जॉइंट मारा, आपस में इसको हम पका देंगे, ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपस में ये मिल गया है, ये करंट लीकेज भी नहीं होगा, आप देख सकते हैं, देखिए बिल्कुल
ओरिजिनल तरीके से। अब फिर हम इसमें भी टैप मार देंगे। अभी आप देखिए कि मैंने इसमें टैप मार दिया है और ये बिल्कुल हमारा जो है ना अच्छे तरीके से ये जॉइंट अलग अलग हो गया है। यानी आप देख सकते हैं पहला जॉइंट रेड का जो मैंने किया इधर किया और ब्लैक का इधर किया, क्या है आपस में ये दोनों शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, आपस में मिलेगा नहीं। अब इसको थोड़ा खूबसूरत बनाने के लिए और थोड़ा सेफ्टी देने के लिए, क्योंकि ये मिट्टी के नीचे रहेगा, पानी पानी वगैरह का कोई मुश्किल ना हो, इसके लिए हम ऊपर से टेप का एक लेयर चढ़ा देंगे ताकि ये और अच्छा हो जाए इस तरह से। तो ये छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन है ताकि हम जब भी कभी काम करें अपने घर में किधर भी करें तो आप भी इस तरह से बेहतरीन तरीके से ये कर सकते हैं। अब देखिए ये बेहतरीन तरीके से जॉइंट हो गया है और आप देख सकते हैं इसकी खूबसूरती। अब इस तार को हमको लगाना है किसमें, ये पोस्ट है, ये देख सकते हैं इसका एक सिरा देखें तो इधर है, इधर देख सकते हैं ये इधर एक सिरा है जो ऊपर जो दो एलईडी लगी हुई है एलईडी फ्रेम, उधर से ये तार आ रहा है, इधर से ही हमारा ऊपर बिजली जाएगा। और हम इसको इसके लिए हम पहले इसमें डालेंगे, अंदर से डालेंगे और उसमें हम जॉइंट करेंगे। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, ये तार हमारा ज़मीन के नीचे से आ रहा है, हमने बिजली का कनेक्शन कर रखा है किधर भी और वो तार ज़मीन के नीचे से आ रहा है फिर इसके अंदर जाएगा। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, ऐसे ही इन्फॉर्मेशन और ऐसे ही मालूमात के लिए हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। शुक्रिया।